नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़। आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। जानकीपुरम लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकीपुरम लखनऊ शुक्ला चौराहा पर चांदी इलेक्ट्रिक वर्क में लगी भीषण आग। बिजली की दुकान में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने से भीषण हादसा। रात में दुकान बंद करने के बाद बिजली शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मौके पर दमकल, फायर ब्रिगेड तथा पुलिस बल मौजूद रहा। आसपास के लोगों के द्वारा बताया गया कि रात के लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जब तक दुकान मालिक को पता चला, इतनी देर में दुकान कोयले की खान बन चुकी थी। जानकारी के मुताबिक दुकान सलीम की बताई जा रही है। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का सामान मौजूद था दुकान में। दुकान मालिक सलीम का कहना है कि 2 दिन की बिक्री का भी पैसा दुकान में ही रखा था। आग लगने से हुआ भारी नुकसान, दुकान के सारे पेपर बिल भी जलकर राख हो गए।